नाउ बच्चों पार्ट डी इज अगेन वेरी इजी। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पे। तो बड़ा फेमस केस है बच्चों, इसमें कहां पे बनता है बताइए, मीन्स फोकस पे, ठीक है। तो ये रहा फोकस, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो हम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी से आती हुई रेस कैसी होती है? पैरेलल। और इसमें यही वाला डायग्राम आप बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये पैरेलल आती हुई रेस कहाँ मीट करेंगी? फोकस पे। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पे इमेज बनेगा आपका, ठीक है, फोकस पे, ओके। और ये हमने क्लास में आपको एलेबोरेट करके भी दिखाया था, इसका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज सच में मीट करेंगे ना यहाँ, तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, हाईली डिमिनिश्ड हो गया, बहुत छोटा पॉइंट साइज लगभग आपको मिलेगा, है ना। तो लोकेशन बताइए बच्चों, लोकेशन ऑन द फोकस ऑफ द, ऑन द फोकस ऑफ द लेंस, या ऑन नहीं होना चाहिए, एट होना चाहिए, एट द फोकस ऑफ द लेंस एंड पॉइंट टू इज व्हाट, बताइए कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, बहुत ईजी बच्चों ये सब क्वेश्चन हैं। और थर्ड पार्ट क्या है बताइए? हाईली डिमिनिश्ड है ना, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा हो गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि क्या? मच स्मॉलर देन द, या आप क्या लिख सकते हो, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।